अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुजूर सबको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बस ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन सिर्फ यही है कि हजरत सैयद अली मिर्ज़ातार का मजार शरीफ बताना कहाँ है और किस जगह पे है और यहाँ क्या होता है। आप हमारे जूनियर सब्सक्राइबर हो तो आपको शायद पता ही होगा कि दातार बाबू के दरबार में क्या होता है। हमने ऑलरेडी बहुत सारी 40 डे वाली और बहुत सारी वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड की हुई। दातार बाबू का जो दरबार है, हजरत सैयद अली मीरा दातार आपका पूरा नाम है और हमारे चैनल का नाम है मीरा दातार दरगाह शरीफ। मीरा दातार आपका लकब है, हजरत सैयद अली आपका नाम। दातार बाबू की जो दरगाह है, जो इंडिया के अंदर अहमदाबाद से 80 किलोमीटर आगे उंजा स्टेशन पड़ता है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो स्टेशन उंजा पड़ेगा और गांव उनावा है। उनावा में आपका मजार शरीफ बना हुआ। मैं सजद नसीम सैयद अरबाज अली औलादे हजरत सैयद अली मीरा दातार हूं। दरबार में कोई भी मेहमान मुझे बोलता है छल्ले के लिए, घोड़े के लिए, दुआ के लिए, 40 दिन के इलाज के लिए। खास पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि दातार बाबू के दरबार में इलाज किस चीजों से होता है और क्या होता है और कैसे होता है। दातार बाबू के दरबार में जो इलाज है ना, ब्लैक मैजिक, एविल स्प्रिट, एनीथिंग, जो भी भूत प्रेत वाला जो मसला हो, दातार बाबू के दरबार में खत्म हो जाता है। और औलाद किसी को नहीं होती हो तो दातार बाबू के दरबार में हमें बताने से और दातार बाबू के दरबार में ट्रीटमेंट करवाने से इंशाल्लाह खुदा के फजल तरफ से मौला के सदके में उसे औलाद का हो जाती है। और लव प्रॉब्लम हो किसी को, वो भी सॉल्व होता है। औलाद नहीं होती वो भी सॉल्व होती है। किसी को कोई तकलीफ हो वो भी खत्म होती है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, गंदा इलम, मैला इलम, जिन, जादू, भूत, पलीत, एनीथिंग, एक्स वाई जेड, कोई भी प्रॉब्लम हो दातार बाबू के दरबार में वो प्रॉब्लम खत्म होती है। अगर आप किसी रीजन से आना चाहते हो तो आ भी सकते हो। अगर किसी रीजन से आप नहीं आ सकते दरबार में तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहीं शो कर रहा है 9638184226। सही दरवाजा नहीं, मेरा नाम है। आप फोन करके बता सकते हो। अगर फोन ना लगने पर, बिजी आने पर, व्यस्त आने पर, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो तो मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, यही नंबर व्हाट्सएप पे भी। इंशाल्लाह ताला आपके बताने के मुताबिक अगर आप नहीं आ सकते तो इंशाल्लाह घर बैठे भी इलाज हो जाएगा आपका दातार बाबू के दरबार में। इंशाल्लाह यहाँ से जो जो चीजें मुनासिब रहेगी मैं यहाँ से आपको कुरियर के द्वारा भिजवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप जैसा ऐसा बताएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, यही आपकी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह जैसा आप मुझे बताओगे दातार बाबू के दरबार में इंशाल्लाह हम अर्जी लगाएंगे और दातार बाबू के दरबार में छल्ला वल्ला बांधेंगे और दातार बाबू के दरबार में चराग वगैरह भी दातार बाबू के दरबार में अगर आपको जलवाने खुशी से जलवाने हो तो दातार बाबू के दरबार में खुशी से भी आप चराग दातार बाबू के दरबार में जलवा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ हो तो तकलीफ के लिए भी दातार बाबू के दरबार में चराग वगैरह जलाए वो। इंशाल्लाह आप मुझे फोन करोगे तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि सबके मामले अलग अलग होते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। और अगर इंशाल्लाह दातार बाबू के दरबार में अगर आपको आना है तो आप पहले से हमें फोन कर दें और पहले से हमें बता दें, 2-3 दिन पहले से या थोड़े टाइम पहले से आप हमें बता दें तो हम आपको मिल भी पाएंगे और आपका जो अच्छे से दातार बाबू के दरबार में ज्यादा वगैरह भी करा पाएंगे और आपका इंतजाम यहाँ पर हम कर सकते हैं। होटल वगैरह का जो भी इंतजाम करना है वो भी हम अगर आपको करवाना हो तो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको आने में कोई दिक्कत नहीं हो और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला दातार बाबू के करम से आप जैसा जैसा हमें बताएंगे वैसा वैसा दातार बाबू के दरबार में इलाज होता है इंशाल्लाह ताला। सरकार सबको सलामत रखे और दातार बाबू सबकी तमाम तकलीफें खत्म करें। मौला सबको सलामत रखे। वाखरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।